दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और आज मैं रसना के प्रधानपुर में मौजूद हूं और एक यहां घटना घटी है। एक मांगलिक कार्यक्रम था यहां, जो है 23 वर्षीय एक युवक था, उसका नाम की गुप्ता, हाँ रवि गुप्ता, रवि गुप्ता नामक एक लड़का है जो एक गांव से ही बारात जाती है और बारात में अपने दोस्तों के साथ बारात करने जाता है और सुबह उसका जो है 100 मिलता है। तो इसी क्रम में मैं उनके पिताजी हैं, मैं उनसे पिताजी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कुछ था। और चूंकि बच्चे की उम्र लगभग 23 साल थी और वो अपना काम भी करता था, दुकान भी छोटा मोटा चलाता था वो बच्चा, और उसके साथ ये इतनी बड़ी वारदात घट जाती है, तो आइए इस संबंध में मैं उनके पिताजी से बात करता हूँ। और चूंकि किसी भी घर में ऐसी घटना होती है तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो इस संबंध में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ मामला था। बताइए, अपना परिचय बताइए, क्या मामला था। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता जी, प्रधानपुर जी। हमारे लड़के को निमंत्रण किए थे जाने के लिए बारात जी, दीनानाथ निषाद, पिता का नाम ठाकुर निषाद जी। हमारे लड़का बोला कि हम बारात नहीं जाएंगे, हमारा कपड़ा नहीं है जी। वो बोले कि कपड़ा नहीं है तो मैं पैसा दे रहा हूँ, कपड़ा किन लो। हमारा लड़का कपड़ा किन कर लेकर आया, बारात जाने लगी, परछावना जब होने लगा सड़क पे पीरज पर चट्टी पर, तो वहाँ पे मेरे लड़के से सौरभ निषाद और दिलीप कुमार निषाद, सुलेमनपुर का है मामा उसका जी, ये दोनों आदमी झगड़ा कर दिए। झगड़ा करने के बाद में फिर झगड़ा शांति हुआ, उसके बाद में बारात गई। बारात जाने के बाद में बारात गई थी उदय छपरा, उदय छपरा गई थी बारात। बारात में वहाँ पर परछना उछना हुआ है, वहाँ पर भी हमारे लड़के से वही दोनों आदमी झगड़ा किए हैं। झगड़ा करने के बाद मेरा लड़का उसमें बारात में से निकल करके बाहर चला आया है, फिर वहाँ से उसको वहीं से ले करके चला गया सौरभ गांगू की, चलो तुम उधर में मंदिर की तरफ में घूमाओ। मंदिर की तरफ में घूमने ले गए तो सुन सलाटा इलाका है, वहाँ पर ले गए, हम गए थे वहाँ पर देख कर भी आए हैं। उसके बाद में वहाँ कोई पता नहीं चला, अब वहीं से बारात उसका ख़त्म कर दिया है लोग खत्म। ये आपको सूचना कब मिली? हमको 6 तारीख को करीब 12 बजे हमको मिला कि तो मैंने सूचना मिली कि आप लोग लड़का घर नहीं आता, तो आप लोग खोजते गए कि आपको सूचना मिली? नहीं, हमको खोजने गए। अच्छा, बच्चा घर जब नहीं आया, बारात वापस आ गई और बच्चा घर नहीं आया, तो आप लोग खोजने लगे? खोजते पहुंचे वहाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वहाँ से मैं हम लोग गाँव मैंने लड़की वाले के घर से घूम करके हम लोग चले आए। उसके बाद में एक चौकी है, पचरुखिया चौकी, वहाँ पुलिस चौकी है, वहाँ पे हम लोग आए। पुलिस चौकी में हम लोग गए, पूछे कि यहाँ पर कोई लाश एक्सीडेंट, ये लोग बोल रहे थे लोग कि एक्सीडेंट हो गया है, ये लोग कैसे जा रहे कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग पचरुके चौकी पे हम लोग गए, सिपाही लोग से पूछे, वो लोग हमको मोबाइल में दिखाया, मेरे लड़के का लाश था। ठीक है, उन्होंने पूछा कि कहाँ पर लाश है, तो बलिया हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। से कौन थाना बोले बाबू? रेवती थाना में आप लोग चला जाइए। रेवती थाना में हम लोग गए, वहाँ पर हम लोग मामला दर्ज करवाए, नाम लिखवाए, नामिनेशन करवाए। नाम ये जो आपने रिपोर्ट तहरीर दिया, तो क्या नामजद दिया है? किसके किसके नाम से नामजद? नामजद नहीं दिए थे। अच्छा, ना मतलब ऐसे ही आपने वहाँ उस तहरीर, हाँ वहाँ पर तहरीर करवाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो झगड़ा हुआ है उसके तौर पर हम आपको बदले, यहाँ पे झगड़ा उस बच्चे से किससे किससे हुआ था? सौरभ निषाद पुत्र छोटे लाल निषाद और मामा है जो दिलीप निषाद सुरेमनपुर का जी। बारात किसके घर से गए थे? ठाकुर निषाद, ठाकुर निषाद के घर लड़के का शादी था। आपको आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो गांव के दोस्त हैं जो साथ में रहते थे, ये इनके द्वारा ही ये कृत्य किया गया होगा? हाँ, हमारे लड़के के साथ में ये दोनों ये सब आदमी मिल करके साजिश रच करके उसको धारदार छुरा से उसको मारा गया है जी। ये आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि उसको छुरा से मारा गया? हम उसको देखे हैं जो काटा हुआ है जी। कोई गाड़ी एक्सीडेंट करने से प्लेन नहीं काटा जाएगा, उसमें कपड़ा कोई मार करके कपड़ा नहीं ठूस देगा जी, उसमें कपड़ा भी ठूसा गया है सादा, उसका कपड़ा नहीं, जो मारा है उसका कपड़ा है। यदि हमारा लड़का एक्सीडेंट हुआ होता तो उसका कपड़ा खोल करके शर्ट खोल करके उसमें डाला गया होता। कपड़ा किसका था? हम वो कपड़ा किसका था वही कपड़ा हमको मालूम नहीं है सर, सादा था कपड़ा, खून से लथपथ हुआ था। हमारा लड़का का ना शर्ट फटा है, ना पैंट फटा है, ना जूता में खून लगा है, ना बेल्ट में कहीं खून लगा है। जूता भी सुरक्षित रखा गया है, बेल्ट भी सुरक्षित रखा है रास्ता के बगल में। दांत उसका है थोड़ा आगे वाला टूटा हुआ है, बगल में आंख के जरिए भूसा मारा गया है, वो भी काला हुआ था जी।
अच्छा ये कितने भाई थे कितनी बहन थी? हमारा एक ही लड़का है साहब, अब कोई मेरा चिराग नहीं है। बहने कितनी थी? दो बहने। यदि हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं रास्ता पर खड़ा होकर मैं सुसाइड करूंगा बच्ची को लेकर के। यदि यदि सरकार नहीं, हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप जो है प्रशासन से उम्मीद रखिए, ऐसा है न्याय मिलेगा आपको। प्रशासन की प्रक्रिया है, क्योंकि जांच प्रक्रिया है, पीएम के पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि किस तरीके की घटना है और उसके साथ क्या है। ऐसे हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो पीएम रिपोर्ट जब मिल जाएगी तो उसके उसके बाद अगली प्रशासन अपना कार्रवाई करेगी। आप मांग क्या चाहते हैं? हम मांग चाहते हैं प्रशासन से, मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ हम विनती करें कि हमारा जो एक ही है उन लोग को इंसाफ हमको चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए। सरकार जो नहीं है, पुलिस सरकार से भी मेरा विनती है कि हमारे लड़के को हमको इंसाफ दिला दीजिए। बहने भी है, थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आ जाइए थोड़ा सा। आप खड़ा हो जाइए और आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। बहन है आप, छोटी है कि बड़ी है? छोटे। क्या नाम है आपका? अंजलि। दोस्तों कितना दुखदायी घटना है ये। बहने हैं, आ जाइए आप भी, आ जाइए थोड़ा सा इधर। ये दो बहने हैं, उस भाई का इंतजार कर रहे हैं। और एक हम लोगों में जैसे रक्षाबंधन का पर्व होता है, ये एक लौता भाई था और बहुत दिल दहलाने वाली घटना है कि ये बहने जो है रक्षाबंधन पे इंतजार करेंगे। और उस भाई के हर साल कलाई में राखी बांधती थी, लेकिन अब के बाद इन बहनों को उस राखी बांधने का जो है मौका नहीं मिलेगा। एक लौता भाई था तो इन बहनों का काफी दर्द है। मैं थोड़ा सा इन बात करने की स्थिति में, बहने नहीं है लेकिन थोड़ा सा इनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाम बताइए। अंजलि गुप्ता जी। क्या आपके भाई के साथ क्या कुछ हुआ था? उन लोगों ने मारा है। कौन मारा है? सौरभ निशान। अच्छा, ये आपका भाई बारात गया था गाँव से? जी। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? शिल्पी गुप्ता। अच्छा, क्या भाई के साथ आपके क्या हुआ था? कुछ भाई का फोन आया था बारात वरात गया तो? नहीं, मेरा बात नहीं हुआ। इधर आ जाइए थोड़ा सा और इधर आ जाइए। हाँ, आप लोग कैसे सूचना मिली? हमें पापा ने बताया था। अच्छा अच्छा, आप घर पे रहती हैं, पढ़ाई करती हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहती हैं? गाजियाबाद। अच्छा अच्छा, आपकी शादी हो गई है? अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को सूचना मिली तो आप अपने मायके से आई? अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका मायका है? अच्छा अच्छा, ससुराल में थी आप? हाँ, गाजी। अच्छा अच्छा, गाजियाबाद से बाहर से आई है? हाँ। ये बहन बाहर थी और ये जो है छोटी बहन है घर पे थी। तो बहुत दुखद घटना है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस तरीके के जो भी लोग हैं, चूंकि समाज में एक मांगलिक कार्यक्रम में जाने के बाद मांगलिक कार्यक्रम में जो है ये अमांगलिक हो गया, तो इस तरीके के जो भी अपराधी घूम रहे हैं इस समाज में, तो उन लोगों के खिलाफ मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस जो है पीड़ित परिवार को योगी सरकार और प्रशासन जो है न्याय दिलाने का काम करे। और उन जो है जो भी ये काम किया है, इस घटना को अंजाम दिया है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।